The Homecoming. The Homecoming रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है जो क्लास 12 में प्रोज में पढ़ाई जाती है। अब इस चैप्टर का मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, और आगे बढ़ने से पहले जरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमॉन्ग द बॉयज ऑफ द विलेज। गांव के लड़कों में फटिक चतुर्वेदी चक्रवर्ती रिंग लीडर था। रिंग लीडर का मतलब होता है सरगना या सरदार। तो गांव के लड़कों में जो शरारती लड़के थे, तो उन शरारती लड़कों का सरगना था या सरदार था। A new mischief got into his head. उसके दिमाग में एक नया शैतानी आया, एक नई शैतानी, एक नई शरारत उसके दिमाग में आई। There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. नदी के किनारे कीचड़ पर एक समतल लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा था। लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा, और उस टुकड़े से एक मस्तूल बनाई जानी थी नाय की। नाय में एक पोल लगा रहता है जिसमें कपड़ा वगैरह, मोटा कपड़ा बांध दिया जाता है, तो उस पोल को हम मस्ट करते हैं कपड़े के साथ। तो जो लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का बोटा, लाग मतलब लकड़ी का बोटा पड़ा हुआ था मठ पर, समतल पड़ा हुआ था, और जिसका एक मस्तूल बनाया जाना था। ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाई मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। उसने निर्णय लिया कि वे सभी मिलकर, मतलब खुद और जो उसके समूह में, ग्रुप में दूसरे लड़के थे, सभी मिलकर इस लकड़ी के बोटे को बलपूर्वक ढकेलते हुए दूसरे स्थान पे पहुंचा देंगे। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। और जो इस लकड़ी के टुकड़े का, लकड़ी के बोटे का मालिक है, वो इससे नाराज होगा, क्रोधित होगा और काफी आश्चर्यचकित भी होगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। और इस सब से उन लोगों को एक आनंद मिलेगा, एक मनोरंजन होगा, क्योंकि जो लकड़ी का मालिक है वो काफी परेशान होगा। यह उन लोगों के लिए एक आनंद की बात होगी। Everyone seconded the proposal. हर किसी ने इस प्रपोजल को स्वीकृति दे दिया। And it was carried unanimously. और यह जो प्रपोजल था सर्वसम्मति से पारित हो गया। But just as the fun was about टू बिगिन, और बस वैसे ही, जैसे ही कि इन लोगों का जो मनोरंजन था शुरू होने वाला था, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर सॉन्टर्ड अप एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड। अब इन लोगों का जो मनोरंजन था अभी शुरू ही होने वाला था कि फटिक का छोटा भाई, जिसका नाम था माखन, टहलते हुए आया और बिना कुछ कहे उस लकड़ी के बोटे पर बैठ गया। बॉयज वेयर पजल्ड फॉर ए मोमेंट। जो लड़के थे वे भौचक रह गए, कुछ क्षण के लिए परेशान हो गए। पजल्ड मतलब परेशान होना। ही वॉज पुश्ड रेदर टिमिडली बाई वन ऑफ द बॉय एंड टोल्ड टू गेट अप, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न। अब जो माखन उस लकड़ी के टुकड़े पे बैठा हुआ था,
एक उसको एक लड़के के द्वारा हल्का सा ढकेला गया और कहा गया कि यहाँ से उठ जाओ। लेकिन माखन इन बातों से प्रभावित नहीं हुआ और चुपचाप अपने स्थान पर बैठा रहा। He appeared like a younger young philosopher meditating meditating on the futility of games। माखन को देख के कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक नई उम्र का जवान या कम उम्र का दार्शनिक हो। फिलासफर मतलब दार्शनिक होता है, और यह दार्शनिक कुछ इस तरह से बैठा हुआ था जैसे बेकार के गेम्स पर अपना ध्यान लगाया हुआ हो। फुटिलिटी मतलब बेकार और गेम्स मतलब खेल। तो जो फटिक और उसके समूह के ग्रुप के लड़के खेल रहे थे, शरारत कर रहे थे, तो उस पर वह ध्यान लगाया था कुछ इस तरह से, ऐसा दिखा रहा था या उसके देख के ऐसा लग रहा था कि वह इन कार्यों को बिल्कुल बेहुदा कार्य समझता हो, बेकार का कार्य समझता हो। फटिक वाज फूरियस, माखन ही क्राइड। फटिक क्रोधित हो गया, फूरियस मतलब क्रोधित होना, और चिल्लाते हुए कहा, माखन इफ यू डू नॉट गेट डाउन दिस मिनट आई विल ट्रेस यू। अगर तुम जल्दी से उतरे नहीं, बोटे पर से उतरे नहीं, तो मैं एक मिनट के अंदर तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। ट्रेस मतलब पीटना। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। माखन थोड़ा सा हिला लेकिन उतरा नहीं, बल्कि वह और भी आरामदायक तरीके से उस बोटे पर बैठ गया। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक। अब फटिक को अपनी राजसी सम्मान को जनता के सामने बचाए रखना था। रीगल मतलब राजसी, डिग्निटी मतलब माननीयता, और पब्लिक जनता जो वहाँ पे लड़के थे उन लोगों के सामने अपनी माननीयता को बचाए रखना था। इट वॉज क्लियर ही ऑट बी कैरी आउट हिज थ्रेट। अब यह आवश्यक हो गया था, यह चाहिए था कि वो अपनी धमकी को पूरा करके दिखाए। एक मिनट के अंदर अगर वो नहीं उतरता है तो उसको पीट कर दिखाए माखन को। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। अब यह जो स्थिति थी, जो क्राइसिस थी, उसको देखते हुए उसको हिम्मत नहीं हुआ, उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, मारने की हिम्मत फटिक नहीं कर सका। His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his follower an added amusement. उसका जो शरारती दिमाग था, fertile brain मतलब शरारती दिमाग या तिकड़मी दिमाग, उसमें बहुत ही शीघ्रता से एक योजना आई। मैनो ये भर मीन्स योजना, और इस योजना के अनुसार माखन को हरा दिया जाता, और अगर वो अपने अनुयायियों या अपने ग्रुप के लोगों के साथ प्रयास करता है तो जो योजना आई थी फाटिक के दिमाग में, उसके अनुसार वो अपने समर्थकों के साथ अगर अपनी योजना का कार्यान्वयन करता है तो माखन को हरा दिया जाएगा, और साथ ही साथ उन सब का अच्छा खासा मनोरंजन भी हो जाएगा। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। उसने ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया कि लॉग को ढकेलना शुरू करो माखन के साथ ही, मतलब माखन बैठा है तो बैठा रहने दो और ढकेलने का काम शुरू करो। माखन हर्ड द ऑर्डर एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन। माखन ने इस आदेश को सुना लेकिन इसको प्रतिष्ठा का विषय बना लिया कि वह लकड़ी के टुकड़े पे बैठा रहेगा।
लकड़ी के टुकड़े में बैठना उसने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया, मतलब वह टरा नहीं उतरा नहीं। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैनर्स दैट देयर वाज पेरिल इन इट। लेकिन वह इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया, फैक्ट मतलब तथ्य, ओवरलुक्ड मतलब नजरअंदाज किया, कुछ इस तरह से जैसे इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो शोहरत पाने के लिए कुछ अलग तरीके का प्रयास करते हैं, और इस कारण से जो संकट हो सकता है उसको भी नज़रअंदाज करते हैं। मतलब जो उस बोटे पर बैठने का माखन ने अपना प्रतिष्ठा का विषय बनाया था, उसने ऐसा करके इससे होने वाले संकट को अनदेखा किया था। जैसे कुछ लोग अपने शोहरत पाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो थोड़ा हट के होता है और नहीं करना चाहिए। द बॉय बिगन टू बिहेव हीव एट द लॉग विथ ऑल देयर माइट कॉलिंग आउट 1, 2, 3 गो। और लड़कों ने उस लॉग को, उस लकड़ी के बोटे को ढकेलना शुरू कर दिया और वे चिल्लाते हुए कहने लगे 1, 2, 3 गो, 1, 2, 3 और शुरू करो। जैसे लड़के आपस में जब कोई चीज़ शुरू करते हैं, कोई दौड़ या कोई इस तरह का खेल, तो प्रायः 1, 2, 3 करके शुरुआत करते हैं। तो उन लोगों ने ऐसा कहते हुए उस लकड़ी के बोटे को ढकेलना शुरू किया। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड आप। और जैसे ही यह शब्द निकला उन लोगों के मुंह से, गो जाओ, उसके साथ ही लकड़ी का टुकड़ा आगे सरक गया, क्योंकि सबने मिलकर उस पर जोर लगाया था और लकड़ी के टुकड़े के साथ माखन भी आगे सरक गया, और माखन का जो दार्शनिक रूप था वो भी आगे सरक गया। जो माखन का सही याना रवैया था वो भी सरक गया, मतलब सब कुछ सरक गया। लकड़ी भी अपने जगह पे नहीं रही, माखन भी नहीं रहा, माखन की प्रतिष्ठा भी नहीं रही, सब कुछ चला गया। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्फ हॉर्स एंड डिलाइट। और सभी लड़कों ने काफी कर्कश ध्वनि में और काफी प्रसन्नता पूर्वक चिल्लाया, क्योंकि उनको सफलता मिल गई थी, इस बात से वो प्रसन्न भी थे, और उनकी प्रसन्नता में, चिल्लाहट में, खुशी में थोड़ा कर्कशपन भी था माखन को चिढ़ाने के लिए। बट फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक थोड़ा सा डर गया था। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, वह जान गया था कि अब क्या होने वाला है। श्योर एनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक ए फूरीज। अब यह निश्चित था कि क्या होने वाला है, इसका अंदाजा फटिक को हो गया था। माखन तुरंत जमीन से उठा क्योंकि वो गिर गया था, और बिल्कुल आंख मूंदे अंधे की तरह गुस्से में फड़फड़ाते हुए और चिल्लाते हुए, ही रश्ड एट फटिक एंड स्क्रैचेड हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम। पूरे गुस्से के साथ बिना कुछ दाएं बाएं देखे फटिक के ऊपर कूद पड़ा और उसके चेहरे पे खरोंच दिया, बीट मतलब पिटाई भी किया, और किक मतलब लात से भी मारा, मतलब लात घुसा हाथ से अच्छी तरह से उसकी पिटाई किया। एंड देन वेंट क्राइंग होम, उसके बाद रोता हुआ घर भी चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा वाज ओवर, अब इस ड्रामे का जो पहला भाग था वो समाप्त हो चुका है। फटिक वाइप्ड हिज फेस एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ संकेन बार्ज ऑन द रिवर बैंक एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास। फटिक ने अपने चेहरे को पोछा, क्योंकि उसकी पिटाई हुई थी तो धूल मिट्टी लगी थी, तो उसको पोछा
एक छोटी नौका के ऊपर बैठा। और यह छोटी नौका कहाँ पे थी? नदी के किनारे पे थी, और वो थोड़ी धंसी हुई थी नदी के किनारे में। उसके ऊपर बैठ गया और एक घास को चबाने लगा। ए बोट केम अप टू लैंडिंग एंड ए मिडिल एज्ड मैन विथ ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टैच स्टेप ऑन शोर। एक बोट, एक नाव वहाँ पे आई किनारे पर रुकने के लिए, और एक मिडिल एज अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके बाल ग्रे हो गए थे, मतलब पक गए थे, सफ़ेद थे, और मुस्टैच मतलब मूछ काफ़ी घनी थी और गहरे रंग की थी, वह नदी के किनारे पे उतरे। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। उस व्यक्ति ने देखा कि एक लड़का किनारे पे बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहा है। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड। और उस व्यक्ति ने, अधेड़ व्यक्ति ने जो वही भी नाव से उतरा था, उसने चक्रवर्ती से पूछा, उसने फटिक से पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहता है। फटिक वेंट ऑन च्यूमिंग द ग्रास एंड सेड ओवर देयर। फटिक घास चबाना जारी रखा और कहा ओवर देयर, मैंने उस तरफ, ऐसे ही बोल दिया उस तरफ। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर बी पॉइंटेड। पर जिस तरह से उसने बताया था कि उस तरफ ओवर वेयर ओवर देयर, तो उसके बताने का तरीका पूरी तरह से असंभव था, उसके बताने के तरीके से कि समझा जा सके कि उसका इशारा किस तरफ है, मतलब चक्रवर्ती कहाँ रहता है, इस चीज को समझ पाना असंभव था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन। अब जो अनजाना व्यक्ति, अधेड़ व्यक्ति आया था, उसने दोबारा पूछा। ही स्वंग हिज लेग टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज एंड सेड गो एंड फाइंड आउट। उसने अपने पैर को उस छोटी नाव पर टू एंड फ्रो मतलब लेफ्ट राइट साइड में मूव किया, आगे पीछे घुमाया और कहा कि जाओ और उसके बाद पता करो, मतलब एक स्थान तक जाने का इशारा किया, कहा कि वहाँ जाने के बाद पता कर लो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर। अब घास को चबाना पहले की तरह जारी रखा। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस। लेकिन तभी एक सर्वेंट, एक नौकर घर से बाहर निकला या बाहर आया। एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम। और उसने बताया कि फटिक तुम्हारी माँ तुमको बुला रही है। फटिक रिफ्यूज टू मूव। फटिक ने जाने से इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वाज मास्टर ऑफ दिस ओकेजन। पर ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने में वह नौकर निपुण था। ही टुक फटिक अप रफली एंड कैरीड हिम। उसने फटिक को बहुत ही बेढंगे तरीके से उठा लिया और धोते हुए चल दिया घर की तरफ, किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। और खटिक जो था वो गुस्से में, इम्पोर्टेंट मतलब निःशक्त, निःशक्त और रेज मतलब गुस्सा, तो फटिक निःशक्त गुस्से में अपना हाथ पांव चला के छूटने का प्रयास कर रहा था।